नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यदि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारें लागू करती है तो क्या मिलेगा अनुजाति आरक्षण वर्गीकरण से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गौहर। भोपाल में प्रदेश भर से आए वंचित समाज के कार्यकर्ताओं में आपसी समझौता हुआ कि सैंपल प्रदेश के संभाग स्तर पर वर्गीकरण के मामले को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपने अपने स्तर पर सौंपा जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के जिला अध्यक्ष अर्जुन घावरी ने बताया कि कोटा आरक्षण में आरक्षण को लेकर ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रीवा, सीहोर, अशोकनगर, देवास, मंदसौर, नीमच, देवास आदि शहरों के बसौर, धानुक, हेला, कोरी, वाल्मीकि समाज के प्रमुख रूप से कमलेश गोधरे, अशोक वाल्मीकि, शैलेंद्र खरे, विशाल कंडारे, शैलेंद्र मेहना, पटेल राम भरोसे, भगवान निया, जीतू बालवे, श्याम अजय पाल, महेश गौहर, वकील अजीत सूरज गौहर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संचालक संतोष कुमार कल्याणे ने एवं आभार व्यक्त किया। उमा वैद्य ने माना, संपूर्ण प्रदेश में नगरीय, जिला नगरीय स्तर पर प्रदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारें लागू करती हैं तो क्या मिलेगा अनुजाति आरक्षण वर्गीकरण से, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गौहर। अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज आरक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गौहर ने कहा कि अगर यह फैसला होता है तो हमें यह फायदा मिलेगा, राजनीतिक लाभ। देश के एससी एसटी के कुल 131 सांसद में से वाल्मीकि समाज वंचित समाज का एक भी सांसद नहीं है। प्रदेश में 80 एससी एसटी के विधायक है, परंतु दुर्भाग्य से वंचित जाति का एक भी नहीं है। मध्य प्रदेश में अनुजाति के 34 विधायक हैं। वर्गीकरण लागू होने पर डीएससी वर्ग के 17 विधायक हमारे वाल्मीकि वंचित समाज के बनेंगे। 10 एससी एसटी अनुजाति सांसदों में से 2 हमारे बनेंगे। इंदौर ने 14 अनुजाति पार्षदों में से या 7 पार्षद हमारे बनेंगे। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश से सैकड़ों पार्षद, जनपद प्रतिनिधि, मंच, सरपंच जैसे लाभकारी और संवैधानिक पद हमें मिलेंगे और विधानसभा से संसद तक हमारे लोग हमारी सभी जायज मांगे पूरी करवाएंगे। रोजगार एवं शिक्षा में स्थायी लाभ। न्यायाधीश आईएएस आईपीएस क्लास 1 अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक हमारे 15% अनुजाति आरक्षण में से 50% यानी 7.5% पद स्थायी तौर पर हमें मिलेंगे। सोचो, वर्गीकरण हुआ तो समाज कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार शिक्षा में से सभी सीटों पर हमें सीधा लाभ मिलेगा। वंचित जातियों को अगर रास्ता चुना ही होगा तो हमारा खुद का नेतृत्व तैयार करना ही होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को इसे लागू कराने के लिए उनके नाम ज्ञापन दिया जाना है। कृपया समय पर पहुंचकर अपना अनमोल समय देने का कष्ट करें। विगत दिनों 17 अगस्त को उज्जैन में प्रदेश से आए वंचित समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य स्तरीय बैठक कर जन जागरण पैदा करने का प्रयास किया था और उसमें हम सफल हुए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गौहर ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए लड़ाई के बाद भी यह हमारे जीत। देश में एक जो माहौल चल रहा है, कोटे में कोटा, वंचित समाज के जो दिया जाने वाला मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 न्यायाधीश हैं उनमें से 6 ने हमारे पक्ष में एक फैसला लिया है और उस फैसले की एक बैठक, अहम बैठक जो है 17 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश के लोगों को उज्जैन में बुलाया था और उसमें तय किया था कि प्रत्येक जिले, संभाग स्तर पर अपने अपने जिले में राष्ट्रपति के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दें और ये लागू कराएं कि हम पर जो एक आरक्षण में आरक्षण देने का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको विधानसभा में भी मतलब स्वीकार करना चाहिए। इस वाले मामले को लेकर के आज फिर प्रदेश के हमारे जाबाज लीडर जो हैं, रीवा से आए हैं, उज्जैन से आए हैं, रतलाम से आए हैं, भोपाल के भी हैं, तमाम सारे लोग यहाँ आकर के उस विषय पर अपनी चर्चा करने के लिए बैठे हैं और एक अहम फैसला उसमें हम ये लेंगे कि हमारा जो एक वर्गीकरण होने वाला है
उसमें जो हमारी जो छोटी समाज है, चाहे वो धनुक समाज हो, कोरी समाज हो, कोली समाज हो, हेला समाज हो और वाल्मीकि समाज के लोग हो, उन लोगों को हमने उनकी याद दिलाने के लिए हमें एक पर्चा भी निकाला है। उस पर्चे में हमने समझाने की कोशिश की है कि हमको आर्थिक लाभ क्या होने वाला है, शैक्षणिक लाभ क्या होने वाला है और राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है, इस बात को हमने उसमें बताया है। महेश गौहर, अखिल भारतीय अनुसूचित युवजन समाज के में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। मेरा नाम भूरा पारोचे है। 1975 से ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश वाल्मीकि समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी समाज के जो लोग आज वंचित हैं, उसको इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा उसको लाभ मिलेगा, उनके बच्चे को लाभ मिलेगा, हम लोगों को जो कोटा दिएगा या उसका लाभ मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई में लाभ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भूरा पारोचे, भोपाल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।